हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मीत ग्रे निंजा के एकदम न्यू वीडियो में। तो जैसा कि गाइस आपको पिछली वीडियो में पता ही होगा कि हमने पैलेट टाउन का पूरा एडवेंचर कंप्लीट किया था और हम यहां पर आए हैं पैलेट टाउन के वाइल्ड एरिया में। और मैंने अपने पोकेमोन की टीम भी बना ली है। वैसे एक ही पोकेमोन चाहिए अभी मुझे। वैसे मेरे पास सभी टाइप के फायर, फ्लाइंग और रॉक टाइप का भी है, ये इलेक्ट्रिक टाइप का, ये वाटर, ग्रास। अभी मुझे गाइस चाहिए साइकिक टाइप का या फिर फाइटिंग और फेरी। इन तीनों में से देखते हैं क्या मिलेगा हमें। अभी चलो गाइस पैलेट टाउन का पहले वाइल्ड एरिया कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमें बस क्लिक करना है। यहाँ पर ये मेन स्टोरी लाइन है, बस इस पर ही हमें क्लिक करते जाना है। तो ये अपने आप गेम का जो एडवेंचर होगा वो स्टार्ट होता जाएगा। और हमें यहाँ पर गाइस बैटल करनी है। मैं आपको गाइस बार बार बैटल दिखाकर बोर नहीं करना चाहता, इसलिए बैटल में स्किप ही करता हूँ। ओके गाइस, इसके साथ बैटल कर लिए और इसने मुझे दिया है वाटर स्टोन। भाई साहब, इसने शायद वाटर स्टोन दिया तो मैं इवॉल्व कर सकता हूँ स्क्वाटल को। अभी मैं इस बंदे के साथ बात कर रहा हूँ, कोई दादाजी है। दादाजी ने भाई लीफ स्टोन दे दिया। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर सभी स्टोन ही दे रहे हैं मुझे। तो अभी इन्होंने भी मुझे ये सब चीज़ें दी है बट कोई भी स्टोन नहीं दिया। ओके, यहाँ पर प्रोफेसर ओक के साथ बात करनी है। ओके, प्रोफेसर ओक ने हमें रिवाइव दिया है और बहुत सारी चीज़ें दी है। अभी ही भाई मेयर से बात करनी है। मेयर को बहुत काम होता है हमसे, बार बार बुला लेता है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर, अभी इसके साथ बैटल ही करनी होगी, देखना। नहीं भाई, बैटल नहीं करनी थी। ओके गाइस, इसने हमें दिया है फायर स्टोन। देखते भाई ये फायर स्टोन मैं इवोल्व कर सकता हूँ कि नहीं। बट यार ये पता नहीं अभी लॉक है ये इवोल्यूशन का। अभी मुझे शायद और एडवेंचर कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी इस बच्ची के साथ बात करनी है कि बैटल करनी है। ओके, बात ही करनी थी। और इसने फिर से वाटर स्टोन दे दिया। अभी फिर से यहाँ पर इस आंटी के साथ बात करनी है और इसके साथ हमें बैटल करनी है, इस आंटी के साथ। वैसे यहाँ पर इसकी मॉम है, नाम तो वही दिखा रहा है। ओके गाइस, ये बैटल मैंने कंप्लीट कर दी और यहाँ पर मुझे फिर से लीफ स्टोन दे दिया। अभी गाइस मैं अपने पोकेमोन का ना लेवल थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि भाई बहुत ही पावरफुल आ रहे तो थोड़ा लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। अभी गाइस मैंने इस पिकाचू का थोड़ा लेवल बढ़ाया तो ये क्विक अटैक कर सकता है, तो मैं इस ग्राउंड में डाल देता हूँ। और अभी ये इलेक्ट्रोबॉल भी कर सकता है, तो चलो इस पे डाल देते हैं, ये टेल व्हिप पे। ओके, ये दोनों अटैक सिखा दिए मैंने। अभी स्क्वाटल को भी अपग्रेड कर देते हैं। तो गाइस स्क्वाटल ने भी एक नया अटैक सीखा है, तो ये मैं इस पे लगा देता हूँ। और गाइस बल्बासोर ने सीखा ये टेक डाउन। ये अटैक गाइस मैं इस टैकल में डाल देता हूँ। ओके, ये कम्प्लीट। अभी भाई चलते हैं फिर से प्रोफेसर ओक के साथ बात करनी है। नहीं, अभी बैटल करनी है। ओके गाइस, प्रोफेसर ओक के साथ हमने बैटल कर ली है और प्रोफेसर ओक ने कोई स्टोन नहीं दिया। अभी हमें मेयर के पास जाना है, इन्वेस्टिगेट करना है कुछ। फिर से भाई बैटल करनी है मेयर के साथ अब। ओके, ख़त्म बैटल। और यहाँ पर हमें तो मेयर सर तो चले गए। अभी हमें गाइस कैसी के साथ बैटल ही करनी होगी। हाँ भाई, मुझे पता था। ओके गाइस, फाइनली ख़त्म हो गई और मुझे 2 स्टार ही मिले। और यहाँ पर गाइस मुझे मिल गया फायर स्टोन, इसने मुझे दिया है फायर स्टोन। अभी फायर स्टोन का हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टोन दिए हमें। अभी हमें कलेक्टर के पास जाना है। ओके, कार्ड कलेक्टर है ये, इसके साथ सिर्फ बातें करनी थी। और इसने हमें वाटर स्टोन दिया है। और अभी बग फ्रैक से मिलना है। ओके, अभी इसने भी हमें लीफ स्टोन दिया है, बहुत अच्छे। अभी वर्कर से मिलना है, इसने भी बहुत सारी चीज़ें दी बट कोई भी स्टोन नहीं दिया। सो अभी गाइस हमें जाना है कंप्यूटर में और यहाँ पर इवोल्यूशन में जाना है और हमें अभी इवोल्व करना है। सभी गाइस हमें करना है इवोल्व चार्मेंडर को। वाह भाई, 3 चाहिए फायर स्टोन, तो ये इवोल्व हो जाएगा। और लेवल चाहिए 60, तो 60 लेवल कर देते हैं भाई। इसका तो लेवल भाई 15 ही है। अभी इसमें डाल देते हैं ये वाला अटैक, ये ड्रैगन ब्रीथ कर सकता है। वाह भाई,
को भी अपग्रेड कर देते हैं, स्क्वाटल को भी गैस अपग्रेड कर देते हैं। ओके बाइट कर सकता है, सो ये डार्क वाला मैं इसमें डाल देता हूँ। सो अभी चलो गैस इवॉल्व करते हैं चार्मेंडर को। ओके गाइस फाइनली बन गया ये 4 मिलियन। सो अभी गाइस चार्जर्ड करने के लिए हमें इतने फायर स्टोन चाहिए 8, और ये स्काई स्टोन है तो ये 5 चाहिए हमें, और हमारा लेवल 36 होना चाहिए पोकेमोन का, तभी ये इवॉल्व हो पाएगा चार्जर्ड में। सो वो तो अभी बहुत देर लग जाएगी। अभी इवॉल्व में इसको भी कर देता हूँ क्योंकि इसका भी गाइस ये देखो वाटर स्टोन पड़ा है मेरे पास, सभी ने दिया है मुझे, और ये लीफ स्टोन भी मेरे पास 3 है, तो इस बल्बासोर को भी मैं इवॉल्व कर सकता हूँ। चलो दोनों को कर लेते हैं इवॉल्व। सो गाइस मैंने दोनों को इवॉल्व कर लिया है। अभी यहाँ पर विनासोर करने के लिए हमें ये 8 लीफ स्टोन और ये पॉइजन स्टोन लगते हैं। हाँ ये पॉइजन जैम है, इसमें जैम लिखा है, वरना ये स्टोन होते हैं, इसे स्टोन भी कह सकते हैं हम। से पॉइजन स्टोन हमें गाइस 5 चाहिए, और इसको ब्लास्टोइज करने के लिए हमें 8 वाटर स्टोन और ये पता नहीं कौन सा स्टोन है, डॉन स्टोन, तो इस टाइप का भी स्टोन हमें चाहिए जो कि 5 कलेक्ट करना होगा। बाकी गाइस पिकाचू को हम नहीं कर सकते इवॉल्व, पर पिकाचू के लिए हमें ये चाहिए थंडर स्टोन 5 और ये डॉन स्टोन। सो वो नहीं है हमारे पास अभी, वो तो किसी ने भी नहीं लिया पिकाचू का। चलो कोई बात नहीं, और ये हमने गाइस इवॉल्व कर लिया। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं इसका पोकेडेक्स। ओके अभी हम यहाँ पर इसके साथ बात कर रहे हैं, और प्रोफेसर फेंटिन है ये, इसने हमें मैक्स रिवाइव दिया गाइस। अभी कार्ड कलेक्टर से बात करनी है, ओ नहीं बात नहीं बैटल करनी है। ओके गाइस अभी कार्ड कलेक्टर के साथ हमने बैटल कर लिए, और अभी इसके साथ फिर से बात करनी है, और बात करने पर बहुत सारे रिवॉर्ड दे दिए इसने। चलते गए साइंटिस्ट से हमें मिलना है, ये रहा साइंटिस्ट भाई, साइंटिस्ट के साथ भी बैटल करनी है, और ये टॉर्चिक है भाई, और ये गए ड्रैगन ब्रीथ मारा है, बहुत ही अच्छा अटैक है ये। एक ही पोकेमोन की बैटल थी, ये कंप्लीट हो गया गए। अभी हमें इसके साथ ये प्रोफेसर फेंटिन है, इसके साथ भी हमने बात कर ली। अभी टीम मैग्मा के साथ बैटल करनी है, पर इस बच्चे ने हमें चैलेंज किया है बीच रास्ते, भाई बुला रहा था चैलेंज के लिए। ओके खुश हो गए बच्चे, अबे यार कितने बार बार चैलेंज कर रहे हैं मुझे। ओके ये भी ख़त्म बैटल, अभी बीच रास्ते मुझे कोई चैलेंज नहीं करेगा। ओके टीम मैग्मा के साथ बात हो रही हमारी, और वहाँ पर दे वो देखो 4 मिलियन फंस गया। भाई वहाँ पर गया है क्यों भाई फंसने के लिए हैं? अरे भाई निकल ही नहीं रहा ये तो, ये देखो, अरे आ गया भाई आ गया, बट मैं कहाँ पर चला गया। ओके फिर से वहाँ पर जाना पड़ेगा हमें, उस पैलेट टाउन वाइल्ड एरिया में। ओके फिर से आ गए हम, और अभी गाइस हमें बैटल करनी होगी टीम मैग्मा के साथ। ओके टीम मैग्मा के साथ हमें बैटल कर ली, अभी वो भी चले गए। यहाँ पर मैं थोड़ी अपने पोकेमोन की ट्रेनिंग करा लेता हूँ ताकि थोड़ा पावरफुल और हो जाए। ओके अभी मैं नहीं ट्रेनिंग कर सकता, रैंक अप नहीं करा सकता क्योंकि लेवल 80 चाहिए, मेरा लेवल अभी 70 है। ओके टॉक टू मेरली, तो इसके साथ बात करनी है, नहीं ये चैलेंजर है। ओके गाइस अभी बैटल कर लिए इसके साथ, अभी चलते हैं आगे। अरे भाई क्या दिखा रहा है चैलेंज, यहाँ पर गाइस अरीना कुछ इस टाइप का अनलॉक हुआ है, यहाँ पर अपने पोकेमोन्स मुझे डालने। यहाँ भाई अब बस कर दे, मुझे पता चल गया ग्लोबल बैटल जैसा है गाइस, इसमें मैं अपने पोकेमोन डाल देता हूँ, वैसे मेरे पास 5 ही अभी। सो अभी गाइस हमें प्रोफेसर फेंटिना के साथ बात करनी है, चलो चलते हैं। अभी हम गाइस विरिडियन सिटी आ गए,
अभी हम पैलेट टाउन में नहीं, विरिडियन सिटी में। और इसने हमें बहुत सारे दे दिए रिवॉर्ड्स। और अभी इन अंकल के साथ बात करनी है, बहुत सारी गाइस बातें करनी पड़ रही है। तो इन अंकल के साथ भी हमने बात कर ली है, अभी हमें जाना है इसके पास। और क्या बैटल करनी है? नहीं नहीं, बैटल तो नहीं करनी, बात करनी थी जो कि कर ली हमने। कुछ पैरल दिया है इसने, कुछ पर्ल टाइप का। इसने भी गाइस ये एसेंस दिया है, ये पैरल नहीं है, मुझे पैरल लगा। ये एसेंस कुछ दे रहे हैं हमें यहाँ पर, ये देखो बात करने पर। इसने भी भाई एसेंस दे दिया, विरिडियन सिटी एसेंस, विरिडियन एसेंस। ओके, और भाई यहाँ पर तो रायकू है, अरे रायकू नहीं, स्यूकेन है, स्यूकेन इसका नाम, मैं थोड़ा गलत बोल गया। सो इसके साथ कैसे ये मैं पकड़ सकता हूँ कि नहीं, बट इसके साथ क्या बात कर सकता हूँ? पावर अप चैलेंज स्यूकेन, कम हेयर एट लेवल 26। तो मुझे गाइस अपना लेवल 26 करना होगा, तभी शायद मैं इसको पकड़ सकता हूँ या फिर पता नहीं फाइट कर सकता हूँ, कुछ तो सीन होगा ऐसा। ज़्यादातर मुझे लगता है गाइस कि मैं इसको कैच कर सकता हूँ अगर मेरा लेवल मैं 26 कर दूँ तो। सो अभी गाइस कुछ भी नहीं हो सकता, 26 तो अपना है नहीं, 70 है अपना। अभी यहाँ पर चलते हैं। ओके, इस दादी अम्मा के साथ बैटल करनी है, एक्सर्नियस की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, अभी इसने भी हमें बहुत सारे दे दिए। अभी इस दादी अम्मा से बात करनी है, ये एक्सपर्ट ब्लेस है, विरिडियन एसेंस इसने भी दिया है हमें। टॉक टू द मॉन्क, इस मॉन्क के साथ बैटल नहीं करनी, बात करनी थी। ओके, इस मॉन्क के साथ भी बात कर ली है, अभी यहाँ पर जाना है फिर से। ओके गाइस, अभी हमें जाना है कंप्यूटर में, और यहाँ पर ये कुछ स्टारअप का अनलॉक हो गया, तो अभी हम गए स्टारअप कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, इस तरह से स्टारअप करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो दे रहे थे ना हमें एसेंस, वही है गाइस वो एसेंस। इस एसेंस के कारण हम गाइस स्टारअप कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं कर पा रहा, अभी मेरा लेवल 80 नहीं है, इसलिए नहीं, 80 तो हो गया है बट मेरे पोकेमोन का नहीं है। चलो कर लेते हैं। वैसे गए स्टार अप करने पर और ये रैंक अप करने पर पावर ही बढ़ेगी हमारी, ये देखो ये पावर बढ़ेगी जितना भी हम रैंक अप और स्टार अप करेंगे। ये वाला आइटम नहीं है मेरे पास अभी, वो मुझे आइटम नहीं मिल सकता, अभी मुझे और थोड़ा एडवेंचर कंप्लीट करना होगा तभी मिलेगा। ओके, अभी इस वर्कर के साथ हमें बात करनी है, नहीं बैटल करनी है, पता ही नहीं चलता कब चैलेंज कर देता है कोई बंदा, कभी कभी बात करता है, कभी कभी चैलेंज दे देता है। वैसे ये किस टाइप का भाई पोकेमोन है, ग्रास टाइप का है, और पता नहीं इसका नाम अजीब है। और भाई कितने सीड बॉम्ब मारेगा, 3 मार दिए, 4 बार, ओ 4 बार लगातार मारे भाई सीड बॉम्ब। तो इसका नाम है गाइस फिरोसीड, अच्छा फिरोसीड, इसलिए इतने सीड बॉम्ब मारे फिरोसीड। ये ले भाई अब ख़त्म, तू सिर्फ थोड़ी सी एचपी में वो रह गया था। देखो भाई ये फिर से ये 4 मिनियन वहाँ पर फंस गया, पता नहीं ये वहाँ पर ही क्यों चला जाता है। ओके, अभी हमें यहाँ पर फिर से इस वर्कर के साथ पता नहीं बैटल करनी है कि हाँ बैटल ही करनी है। अभी ये दूसरा वर्कर है, वैसे अच्छा है गाइस कि एक ही पोकेमोन की बैटल होती है। यहाँ पर मुझे एबिलिटी कैप्सूल कुछ ऐसा मिल रहा है, 2 बार मुझे ऐसा मिला है इस बंदे के साथ बैटल करने पर। अभी हम गाइस जा रहे हैं यहाँ पर फिर से इस जगह पर आ गए, और अरे भाई इस वर्कर के साथ, ये तीसरा वर्कर है भाई, और इसके साथ बैटल करनी है। ओके, अभी एबिलिटी कैप्सूल कुछ अलग टाइप का मिला है मुझे, नहीं तो भाई ब्लू वाला मिलता है, बट अभी पर्पल वाला मिला है। अभी भाई टीम मैग्मा के साथ बैटल ही करनी होगी, वैसे गाइस कुछ मैग्मा टीम वालों के साथ हमें बात भी करनी होती है और बैटल भी करनी होती है। सो अभी गाइस हम इस दादी अम्मा के साथ, नहीं ये दादाजी है, सबसे भाई मैं दादी जी बोल रहा हूँ, बट ये दादाजी है भाई साहब। ओके, अभी शेरिफ इन विरिडियन सिटी, फाइंड द शेरिफ, अभी हमें ढूंढना है शेरिफ को। ओके, शेरिफ तो कहाँ पर मिलेगा? अभी हम फिर से कहीं और जा रहे हैं, तो ये दूसरा मैप है विरिडियन सिटी,
पता नहीं ये वीडी डेंसिटी है बट उसका दूसरा थोड़ा एरिया है, अब दूसरा इलाका भी कह सकते हो। अभी इसके साथ मिलने पर हमें इसमें जाना है एडवेंचर में, और ये आइडल रेंजर अनलॉक हो गए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टैप करना है और अपने पोकेमोन डालने। ओके डालने, एक ही डाल सकते हैं, मुझे लगा कि मुझे सारे डालने बट ऐसा नहीं है, एक ही डाल देते हैं। यहाँ पर ये 4 मिलियन ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पता नहीं किसकी पेट्रोलिंग कर रहे हैं भाई। यहाँ पर रिवॉर्ड्स में क्लिक करते हैं, यहाँ पर गाइस हमें एक्सपी मिलेगी, पता नहीं अब वो पोकेमोन की एक्सपी मिलेगी या फिर ट्रेनर एक्सपी। यहाँ पर गाइस ये 50 मिनट्स तक हमें वेट करना है तभी हमें एक्सपी ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर गाइस जितने भी मिनट हम रखेंगे उतना यहाँ पर एक्सपी हमारा बनता जाएगा। यहाँ पर ये देखो 1 मिनट और 30 सेकंड हो गए, यहाँ पर 76 एक्सपी बने, बहुत अच्छे। वैसे क्लेम भी कर सकते हैं, मुझे अभी क्लेम नहीं करना, थोड़ा बनने देते हैं। यहाँ पर ये टास्क में ये कुछ क्लेम करने का आ रहा है, क्लेम कर लेते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें तो गाइस आप समझ ही सकते हो रिचार्ज वाली है। अभी हमें गाइस फिर से उस पुराने मैप में जाना है। तो अभी हम गाइस फिर से यहाँ पर आ गए इस एरिया में। अभी हमें किसको ढूंढना है, ओके पोकेमोन, ये कौन है भाई, ब्रीडर है, पोकेमोन ब्रीडर, इसने हमें गाइस एसेंस दिए। अभी यंगस्टर को भाई ढूंढना है, ओके ये जो यंगस्टर है भाई, ये बच्चा यंगस्टर है, ओके। अभी हमें फाइंड द टीम मैग्मा मेंबर, तो ये रहा भाई, क्या ढूंढने की ज़रूरत है, सामने खड़ा है अपने। चल भाई मुझे पता ही था तू चैलेंज ही करेगा, लगता है इसने बच्चे को परेशान किया था इसलिए हमें बैटल करनी पड़ रही है। ओके गाइस टीम मैग्मा के साथ कर लिए फाइट, अभी चलते हैं हमें न्यूज़ इंक्वायरी, इंक्वायर द न्यूज़, तो यहाँ पर इस आर्टिस्ट से मिलना है। अभी क्या करना है, इसने तो रिवॉर्ड दे दिए, मास्टर ग्रैंडपा, ओके मास्टर ग्रैंडपा ने बहुत सारे रिवॉर्ड दे दिए। अभी टीम मैग्मा के साथ बैटल करनी है, इन टीम मैग्मा वालों को हमें बैटल से ही सुधारना पड़ेगा, बातों से तो ये नहीं सुधरेंगे। ओके टैपिक गया, ओके गाइस विक्ट्री। चलो अभी चलते हैं, अभी ये क्या ओपन हो गया, ये चैट का है गाइस, ये चैट ओपन हो गया मुझसे। अभी हमें गाइस यहाँ पर डिफेक्ट द टीम मैग्मा मेंबर, अभी फिर से मैग्मा मेंबर के साथ बैटल करनी है, क्या कहाँ जा रहे भाई। ओके यहाँ पर गाइस ये मेल ऑफिसर कुछ बता रहा है, ये मूव का, यहाँ पर लर्निंग मूव में जाने। ओ भाई ये तो भाई मैंने पहले से किया है, ऐसा तो गाइस मैंने पहले से कर लिया है, वो फ्लाई वाला अटैक मैंने इसी तरह से उसको सिखाया था चार्मेंडर को। अभी मुझे ये वाला नहीं सिखाना, हिडन पावर, अरे भाई रखो अपने पास। ओके बहुत धन्यवाद आपका ये सिखाने के लिए, पहले से सीख गया था मैं। ओके साहिक के साथ बात करनी है, और हमारा लेवल अप हो गया है 20, वाह भाई 20 लेवल हो गया, पता ही नहीं चला। और गाइस एडवेंचर करते करते मुझे यहाँ पर मैंने कंप्यूटर में देखा, तो भाई ये देखो, पता नहीं गाइस ये कहाँ से मिल गया मुझे एग, किसी ने तो मुझे ये दिया एग, पता नहीं ये किसने दिया बट इसमें से क्या निकलेगा वो 4 घंटे के बाद पता चलेगा। ओ भाई 4 घंटे तक वेट करना होगा, 4 घंटे और 52 मिनट्स यानी कि भाई 5 ही घंटे समझ लो। तो अब देखते हैं गाइस इसमें से क्या पोकेमोन निकलता है, वैसे इसमें नाम तो नहीं लिखा किस भी पोकेमोन का क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पर ये इनक्यूबेशन काउंटडाउन ऐसा लिखा है। तो अभी मुझे गाइस बीट द ब्यूजिल टॉल ग्रास, ओके अरे भाई बीच में चैलेंजर ने बुला लिया। ओके गाइस अभी मैंने इसके साथ बैटल कर लिया, अभी मुझे यहाँ पर ब्यूजिल को बीट करना है, उसको पकड़ना नहीं है। अभी ये कौन सा मुझे मिल गया, इसका नाम सर्किट है, ये मुझे नहीं चाहिए भाई। अभी यहाँ पर फाइनली ब्यूजिल मिल गया और इसको हमें बीट करना है यानी कि इसके साथ बैटल करनी है, इसको हराना है।
इसको पकड़ना नहीं है वरना मैं कैच कर लेता अगर ऐसा कहते तो। ओके अभी इसको मैंने बीट कर दिया है। अभी कहाँ पर जाना है हमें? अच्छा भाई तभी मैं सोचू मैं भाई इसको देना था ब्यूजिल। अभी हमें बीट द एकेंस अभी फिर से इसको देना पड़ेगा। मुझे तो गाइस ऐसा ही लग रहा है कि ये हमसे मंगा रहे हैं पोकेमोन कि भाई तुम कैच करके मुझे दो और मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और भाई यहाँ पर फ्रोकी है इसके इस बच्चे के पास फ्रोकी कहाँ से आया प्लीज़ बता देना आखिर में ये तूने कहाँ से कैच किए। ओके गाइस अभी इसके साथ ही बैटल कर ली इस बच्चे के साथ और इस बच्चे ने नहीं बताया मुझे कहाँ पर उसने वो कैच किया था फ्रोकी। अभी भाई हमें एकेंस को बीट करने ऐसे गाइस पता नहीं ऐसा किए क्यों करवा रहे बीट क्यों करवा रहे। अगर गाइस वो पोकेमोन मांगते तो कैच करने को कहते कि कैच करके मुझे देना। इस गेम में ऐसा भी होता है कि दूसरे बंदे के लिए हमें कैच करना पड़ता है। और यहाँ पर वो पोकेबॉल पड़ा है पता नहीं कुछ में क्या है अगर कोई पोकेमोन हो तो भाई मज़े ही आ जाएगा। ओके एकेंस मिल गया अभी इसको बीट करना है हमें। ओके गाइस अभी हमें जाना है वापस तो हमें गाइस यहाँ पर ही साई के साथ फिर से बात करनी है। और अभी इसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और बहुत सारी चीज़ें दी है। अभी हमें इसके लिए भाई कुछ कैच करना है बग पोकेमोन पोकेमोन फाइट विद बग कैचर नहीं गाइस हमें इस बग कैचर के साथ फाइट करनी है। मुझे लगा कि बग पोकेमोन पकड़ना है हमें बट इसके साथ फाइट करनी। ओके इसके साथ हमने बैटल कर ली इस बच्चे के साथ बग कैचर है इसका नाम। ओके अभी फिर से उसके पास जाना है उस साई के पास आ गए हम। ये रही भाई तो हमें अभी गाइस जिम में जाना है लेट्स गो जिम। ओके आंटी इस आंटी का जिम कहाँ पर है भाई? नहीं आंटी के साथ से बात करनी थी मुझे लगा कि बैटल करनी थी वही जिम लीडर है। अरे भाई बीच में क्यों टोक रहे हो? चलो भाई इस चैलेंजर के साथ मैंने बैटल कर लिया। ओके अभी हमें जिम में जाना है और बीच में ये पता नहीं कौन मिल गया। सो अभी गाइस इसके साथ भी हमने बात कर लिया और अभी फाइनली डिफेक्ट द ब्रॉक यानी कि अभी हमें ब्रॉक के साथ बैटल करनी है। बट अभी हम किसके साथ कर रहे हैं भाई बैटल? सो इस बिन बुला चैलेंजर के साथ मैंने गाइस बैटल कर लिया। अभी चलते हैं आगे बट भाई ब्रॉक कहाँ पर है? यहाँ पर तो बहुत सारे हैं पता नहीं इसमें से ब्रॉक कौन है और वो कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर गाइस मेरे डेली टास्क बहुत सारे कंप्लीट हो गए क्लेम कर लेते हैं। लगता है गाइस यहाँ पर सभी मेरी राय देखकर बैठे हैं। ये देखो ये बग फ्रैक और ये स्कूल बॉय वो बग कैचर ये सभी मेरी राय देख रहे हैं। मुझे इन सभी के साथ बैटल करनी है तब जाकर गाइस मैं ब्रॉक के साथ फाइट कर सकता हूँ। पहले इन सभी से निपटना पड़ेगा। सो अभी इस वीडियो को गाइस मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है नेक्स्ट वीडियो में आप देखना मैं ब्रॉक के साथ बैटल करूँगा और बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे। बाकी गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना जिन्होंने अभी नहीं दबाया। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।